नमस्कार। आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं एस्ट्रोनॉमी पे। ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे दो वीडियोस डाल दिए हैं जिसमें हमने बेसिक सिखाए थे थ्योरेटिकल पार्ट का। आज जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप्स होते हैं, तो आज हम एक बहुत ही सिंपल टेलीस्कोप का असेंबलिंग सीखेंगे। ये जो माउंट आप मेरे सामने देख रहे हैं इसी को ऑल्ट एजिमुथ माउंट बोलते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में मूव किया जा सकता है। और इसके साथ हम जो ऑप्टिकल ट्यूब लगाएंगे, ये है वो ऑप्टिकल ट्यूब, अगर आप देख सकें ऑप्टिकल ट्यूब, ये जो है रिफ्रैक्टर टाइप है। और ये ब्रांड का नाम जैसे आप देखेंगे सेलेस्ट्रॉन पावर सी का 60AZ, तो 60 जो है वो 60 mm इसका अपर्चर जो डायमीटर है वो 60 mm का है, और ये सेलेस्ट्रॉन का ट्यूब है रिफ्रैक्टर नेचर का। तो हम एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप को ऑल्ट एजिमुथ माउंट पे लगाकर देखेंगे कि इसका कैसे सेटअप किया जाता है और इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम क्या होते हैं। तो ये जो पार्ट है देखिए, ये सबसे पहले ये जो कवर्ड रहता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पहले ही निकाल लें, क्योंकि अक्सर बिगिनर से गलती करते हैं कि इसे इस तरह से कवर करके पूरा सेटअप करते हैं और फिर जब वो अपने आईपीस में देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा होता है, उनका बस ध्यान नहीं जाता इस चीज पे कि ये जो कवर है ये इस पर लगा हुआ था। तो ये गलती ना हो इसके लिए इसे सबसे पहले निकाल दिया जाए। ट्यूब में ये तो मैं आपको बता दिया, ये साइज अपर्चर साइज बोलते हैं इसे। और बाकी आप जो देखेंगे, ये देखिए ये फोकस एडजस्ट करने के लिए होता है। ये स्टार डायगनल होता है, अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे कि स्टार डायगनल का क्या काम है। और ये आप जो देख रहे हैं ये फाइंडर स्कोप और आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव ट्यूब होता है, मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इन दोनों के बीच में अलाइनमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसी इस डिवाइस से, इस इक्विपमेंट से आप डायरेक्टली देखते हैं स्काई में, आकाश में, अंतरिक्ष में कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट देखना है, और फिर वो अपने आप, अगर ये दोनों अलाइंड है तो आपको वो अपने मेन ट्यूब में, ऑब्जेक्टिव लेंस में अलाइंड हो जाता है और आपको अपने आईपीस में दिखने लगता है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। ये आप देखेंगे जैसे ये जो लेग्स के साथ ट्राइपॉड है, ये आपने और भी इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया होगा, तो ये बस आपको लेवल करना है, ये मतलब इसको यूज करना तो बहुत ही आसान है, सेट करना। ये इसका इसका नॉब है, ये जो स्क्रू है, इसको आप खोल कर और बंद करके इसका अलग अलग लेंथ फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको जरा लूज करूं तो ये अंदर और बाहर हो जाता है। इसी तरह से तीनों लेग्स होते हैं, इसको आप कुछ यूं सेट कर सकते हैं। अब इसमें वो लेवलिंग का जो बार रहता है जिसमें एक बबल को हम देखते हैं बीच में आता है तो लेवल हो जाता है, वो इसमें नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहां से एक धागा स्ट्रिंग लगा के एक सिक्का उसमें वो लगा सकते हैं, और अगर वो तीनों से बराबर डिस्टेंस में होता है तो समझ लीजिए कि आपका ये लेवल है। बाकी आप एक समतल जमीन पर रखेंगे तो औसतन अगर आप थोड़ा भी रफली देख रहे हैं तो वो लेवल्ड रहता है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने ये जो ट्राइपॉड है इसको लेवल कर लिया है, और ये इसका माउंट है ऑल्ट एजिमुथ माउंट। इसी पे हम जो ट्यूब रखेंगे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब हम अगला वही करते हैं। ये देखिए, ये इसका ट्यूब है जो हम पहले देख चुके हैं। ये जो सिल्वर कलर का रॉड दिख रहा है छोटा सा, ये इसका वर्टिकल इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो एडजस्ट करने के काम आता है। तो ये जो सिल्वर नॉब है और ये इसका जो सिल्वर स्क्रू है, ये दोनों अलाइंड रहते हैं। तो हम ये इस तरह से लगा के ये इस तरह से रहेगा कि यूं ऊपर उठ सके। ये हमने अब दोनों तरफ स्क्रू फिक्स कर दिया है, और ये देखिए ये अब मूवमेंट के लिए तैयार है। ये है इसका लैटरल मूवमेंट हॉरिजॉन्टल, और ये है वर्टिकल मूवमेंट। ये जो ये मैंने जो सिल्वर रॉड आपको शुरू में दिखाया था, इसको अगर मैं फिक्स कर दूं इस हाइट पे ले जाके, ये हो गया फिक्स। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये जा नहीं रहा है, ये वर्टिकली फिक्स हो जाता है। और इसको आप लूज करके फिर इसका वर्टिकल हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से कर देंगे तो ये इसके ऊपर नहीं जाता है। तो ये आपका लगभग सेटअप हो गया है। अब हम दूसरे चीज देखते हैं जो ये है। ये तो फाइंडर स्कोप है जो मैंने आपको बताया था कि इससे आप डायरेक्टली आकाश में देखते हैं, और ये अलाइंड होने चाहिए, और ये दोनों अगर अलाइंड होते हैं तो आप जो इसमें देख रहे हैं इसमें क्रॉस एयर्स होते हैं। तो क्रॉस एयर्स की जहां जो भी पोजिशन पर रिलेटिव आप देखेंगे तो फिर आपके मेन लेंस में भी आपको दिखेगा। अब देखेंगे कैसे, आप यहाँ पे आई पीस रहता है, ये जो दूसरा हिस्सा है स्टार डायगनल। देखिए अगर आप स्टार डायगनल नहीं रखेंगे, अगर आप स्टार डायगनल नहीं रखेंगे तो आपको डायरेक्टली ऐसे देखना पड़ेगा यहां से, और वो थोड़ा पेनफुल हो जाता है अगर आप इस तरह से देख रहे हैं। तो पेनफुल हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए हम ये करते हैं
ये स्टार डायगनल रखते हैं, या आप जैसे अगर देखेंगे कि ये 90 डिग्री टर्न हो रहा है, तो लाइट इसमें इस तरह से आती है तो इस तरफ मुड़ जाती है। तो इसके ऊपर अगर हम आईपीस डालते हैं तो हम डायरेक्टली आईपीस में ऐसे देख सकते हैं, तो जो लाइट आ रही है वो हमें इस तरह से दिख जाती है। तो सबसे पहले मैं स्टार डायगनल वापस लगा दूं, और यहां लगता है आपका आईपीस। आईपीस अलग अलग फोकल लेंथ के आते हैं, तो ये जैसे मैं जो लगा रहा हूँ ये 20 mm का है, इसी तरह मेरे सेट में 4 mm का भी आया था, 10 mm के भी आते हैं, अलग अलग है। तो इसका फोकल लेंथ जो होता है आपका मेन ट्यूब का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय इसका फोकल लेंथ, वो इसका पावर और मैग्निफिकेशन आता है, पावर जिसको बोलते हैं इसके। तो ये 20 mm का हम जो 20 mm का जो लेंस है वो मैं इस स्टार डायगनल में डाल रहा हूँ, और ये आपका टेलीस्कोप जो है वो सेट हो चुका है। अब इसमें आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल इसमें देखेंगे तो आपको जो भी आपका ऑब्जेक्टिव लेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस वो दिखेगा। ये अगर आपको दिख रहा है कैमरे में, ये एडजस्टमेंट जो है फोकस के लिए होता है। आप बहुत दूर की चीज़ें देखते हैं अंतरिक्ष में जो भी सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हो सकता है उनकी इमेज ब्लर्ड रहे, तो आप अगर इस स्क्रू को आगे या पीछे करेंगे तो एक करेक्ट फोकस पे आता है और शार्प इमेज निकलती है, जो हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है देखने का। तो ये सारी चीजें हो गई, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, स्टार डायगनल, आईपीस, ट्राइपॉड, ऑफ कोर्स ये ऑल्ट अजीमुथ माउंट है जिसमें ये वर्टिकल मोशन है और ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, इन दो डायरेक्शंस में ये घूम सकता है। इस पे मैंने चर्चा नहीं की, ये जो फाइंडर स्कोप है, ये देखिए ये फाइंडर स्कोप है, ये फाइंडर स्कोप से हम डायरेक्टली देखते हैं, और इसमें जैसे कि मैंने बताया क्रॉस हेयर्स होते हैं प्लस के, उसमें तो उस प्लस में आपको जो भी दिखता है वो इसमें एडजस्ट करना पड़ता है, और आपको इसको इसके साथ अलाइन रखना पड़ता है। तो इसमें अगर आपको दिख रहा है तो वो अपने आप इसमें भी आ जाएगा। अब इसमें अलाइनमेंट कैसे करते हैं, अलाइनमेंट के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये दिन में करना पड़ेगा, और कोई बहुत दूर की ऑब्जेक्ट है, थोड़ा कम से कम आधा किलोमीटर दूर जैसा है, तो वो आप करेंगे कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं आईपीस लेंस है, उसमें आप कोई भी बहुत दूर की चीज है जिसको सेंटर में कर लेंगे, और फिर आप इसमें देखेंगे ये जो आपका फाइंडर स्कोप है, तो आपके उस क्रॉस हेयर से वो जितना दूर रहेगा, तो ये जो तीन स्क्रूज दिख रहे हैं, ये एक और ये दो और ये तीसरा, तो ये तीन एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं। तो जब आप दिन में बाहर की कोई बहुत दूर की चीज को इसमें अपने आप सेंटर में देख लेंगे करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि फाइंडर स्कोप में वो अपने क्रॉस हेयर के सेंटर से कितना दूर है, तो आप ये स्क्रूज अगर घुमाएंगे तो वो क्रॉस हेयर का पोजीशन चेंज होता है। तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप दूर से देख रहे हैं वो आपके अगर आईपीस के सेंटर में दिख रहा है तो आपके इसके क्रॉस हेयर के भी सेंटर में दिखना चाहिए, वो आपको इन एडजस्टमेंट स्क्रूज को घुमा के करना पड़ता है। क्योंकि ये बहुत एकदम सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप नहीं होते, तो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं हमेशा ये करता हूँ कि मैं थोड़ा क्वाड्रेंट, क्योंकि वो क्रॉस हेयर्स रहते हैं तो चार क्वाड्रेंट रहते हैं, तो मैं एक रफ एस्टिमेट कर देता हूँ कि क्रॉस हेयर के आसपास कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है और इसमें सेंटर में दिख रहा है। उसी तरह से मैंने जुपिटर या इस तरह के दूसरे सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स को लोकेट किया है, और देखने में सफलता हासिल हो जाती है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बट आप इन दोनों के बीच का अलाइनमेंट जितना एक्यूरेट कर सकें, आपका जो फाइंडर स्कोप है और आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस है, इनका अलाइनमेंट जितना अच्छा रहे उतना आपको शार्प इमेजेस दिखेंगी। मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले मून से शुरू करिए, क्योंकि वो बहुत आसान रहता है लोकेट करने में, और उसकी इमेज भी काफ़ी शार्प बनती है। आप सीधे जैसे आप कुछ ब्लॉग्स पढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप अंधेरी रात में ज़्यादा करिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स अगर आप पहले टेलीस्कोप यूज़ करना सीख रहे हैं तो पहले आपको इसको फोकस करना आना पड़ेगा, और उसके लिए मून इज़ द बेस्ट ऑब्जेक्ट। तो आप पूर्णिमा जो होती है या चांद जितना भी दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं, ताकि आप इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस करना सीखें, उसको देखना सीखें, इसका मूवमेंट देखें। बाकी यही था, एक बार फिर से मैं छोटा समराइज कर दूं। ये आपका स्टैंड है ट्राइपॉड, इसको सेटअप करिए, फिर इसमें ट्यूब डालिए, ट्यूब के दोनों तरफ ये जो वर्टिकल सिल्वर रॉड जो मैंने आपको दिखाया था वो डालिए, दोनों तरफ से स्क्रूज डालिए, और यहाँ स्टार डायगोनल में आईपीएस डालिए। ये 4-5 स्टेप्स में आपका ये सेटअप हो जाता है, बहुत ही बेसिक टेलीस्कोप है, एमेच्योर टेलीस्कोप है। तो दिस इज हाउ इट्स डन, आप करिए जरूर, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, और या आपको सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।